रोहित शर्मा या विराट कोहली, आंकड़ों की नजर में कौन है टीम इंडिया का बेहतर कप्तान? टीम इंडिया ने पिछले करीब एक साल में कई सारे कप्तान देखे हैं। T20 विश्व कप 2022 से पहले भारतीय क्रिकेट में कई प्रयोग किए गए। कभी ऋषभ पंत कप्तान बने, कभी हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई, तो कभी KL राहुल ने भी कप्तानी का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। पिछले करीब एक साल से फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ही हैं। T20 विश्व कप में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में करारी हार के बाद अब रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड सीरीज में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या ही आने वाले वक्त में टीम इंडिया के T20 में कप्तान रहेंगे, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करते रहे, लेकिन वे अपनी कप्तानी में एक भी ICC ट्रॉफी टीम इंडिया को नहीं दिला पाए। इसके बाद रोहित शर्मा के पास विश्व कप के लिए ये मौका था, लेकिन वे भी नाकाम ही साबित हुए। इस बीच अब आपको ये भी जानना चाहिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कितने T20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली है और उनके जीत के आंकड़े कितने हैं। रोहित बनाम विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने करीब करीब बराबर T20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली है, लेकिन दोनों के आंकड़ों में भारी अंतर है। पहले बात करते हैं विराट कोहली की। पूर्व कप्तान कोहली ने 51 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की बागडोर संभाली है। इसमें से 30 मैचों में भारतीय टीम जीती है, वहीं 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच टाई रहे हैं और 2 मैच ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। विराट कोहली की सफलता का प्रतिशत 64.58 रहा है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित अब तक 51 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इनमें से 39 मैच टीम इंडिया जीती है और 12 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उनकी कामयाबी का प्रतिशत 76.47 है, यानी रोहित शर्मा की कामयाबी का प्रतिशत विराट कोहली से कहीं ज्यादा है। MS धोनी और हार्दिक पांड्या का हाल। MS धोनी ने अब तक T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा बार भारतीय टीम की कप्तानी की है और उनसे आगे निकलना तो दूर की बात, उन्हें छू पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। MS धोनी ने 72 मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी उठाई है। इनमें से भारत ने 41 मैच जीते और 28 में हार मिली, 1 मैच टाई रहा और 2 मैच ऐसे हैं जिनका परिणाम सामने नहीं आया। MS धोनी की सफलता का प्रतिशत 59.28 है, जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से काफी कम है। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जो भविष्य के कप्तान माने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या को अभी तक 5 ही मैचों में कप्तानी का मौका मिला है, जिनमें से भारत ने 4 मैच जीते और 1 टाई रहा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक 1 भी मैच नहीं हारी है और उनकी जीत का प्रतिशत 90 है। ये बात और है कि अभी उन्हें कम ही मैचों में कप्तानी का अवसर मिला है। ऐसे में आने वाले वक्त में जब वे ज्यादा मैचों में कप्तानी करेंगे, तभी पता चल सकेगा कि वे कैसे कप्तान हैं। आपकी राय इस बारे में क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और क्रिकेट की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।